हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की देसी रसोई। आज हम मटर पनीर की सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम मटर लिया है और हमने इसे छील लिया है, और 250 ग्राम ही हमने पनीर लिया है। सबसे पहले हम मटर को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए हम पनीर को फ्राई करेंगे। इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लोर का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच पाउडर हमने इसके ऊपर डाला है ताकि ये हल्का हल्का इससे कोट हो जाए, और फिर इसे फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। एक बाउल में हमने गुनगुना पानी लिया है, उसके अंदर नमक ऐड करेंगे। पनीर फ्राई करने के बाद हम इसमें डिप कर देंगे, तो उससे क्या होगा, पनीर काफी सॉफ्ट रहेगा। पनीर को फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें हल्का सा कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, इसमें कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल के गुनगुने पानी में डाल रहे हैं। इसी तरह से हमने सारे पनीर को फ्राई कर लेना है। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। गुनगुने पानी में डालने से पनीर काफी सॉफ्ट बनता है। अब हम मटर पनीर के लिए ग्रेवी रेडी करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम छोटे 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। क्योंकि हम इसमें मलाई ऐड करेंगे, इसलिए हम इसमें ऑयल कम यूज करेंगे। हमने 2 बड़े टमाटर की प्यूरी रेडी कर ली है। अब इसमें 1/2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हमें थोड़ा सा सेकना है, लो फ्लेम पर ही सेकना है इसे। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए ऑयल हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें ऑयल हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फ्लेम भी लो होना चाहिए बिल्कुल। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। 2 टमाटर की हमने प्यूरी रेडी की हुई है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक ऐड करेंगे। मसाला रेडी होने तक हम इसे सेकेंगे। ग्रेवी हमारी सिक गई है। इसमें ऑयल देखिए ऊपर ऊपर नजर आ रहा है। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। 1/2 कटोरी हम इसके अंदर मलाई ऐड करेंगे। अब हम इसमें मलाई को भी सिजाएंगे। थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर इसे ढककर छोड़ देंगे। हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए, ऑयल इसमें से बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम अकॉर्डिंग टू ग्रेवी इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें बॉयल आने तक का वेट करेंगे। 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें बॉयल्ड मटर ऐड करेंगे। मटर को हमने अच्छे से उबाल लिया है। थोड़ी देर के लिए हम ग्रेवी को सिजाएंगे लो फ्लेम पर। हमारा इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पनीर हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसका पानी अलग कर देंगे। पनीर को अब इसके अंदर डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, बारीक काटा हुआ। इसे मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि पनीर भी मसाले को एब्जॉर्ब कर ले। ऑयल इसमें ऊपर आ चुका है। मटर पनीर की सब्जी हमारी रेडी हो गई है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बाउल में इसे सर्व कर लेंगे। हमारी मटर पनीर की सब्जी रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।